और मुजफ्फरपुर में भूमाफियाओं की हिम्मत अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो सरकारी जमीन को ही बेचने लग गए हैं। यहां भूमाफिया ने एक एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन बेच डाली और तो और इस जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली। इस धांधली का खुलासा होने के बाद अब प्रशासन होश में आया और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में भूमाफिया का नया कारनामा सामने आया है। मुजफ्फरपुर के कुहली में भू माफिया ने सरकारी जमीन ही बेच डाली। बिहार सरकार की एक एकड़ 37 डिसमिल जमीन को 7 लोगों ने मिलकर बेच डाला। भू माफिया की हिम्मत देखिए, इस सरकारी अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते हुए इस जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई। मामला तब खुला जब खरीदार जमीन का दाखिल खारिज कराने अंचलाधिकारी के पास पहुँचे। अंचलाधिकारी ने इस जालसाजी को पकड़ा और इस मामले की प्राथमिकी भी दर्ज कराई। मामला दर्ज कराया कि एक एकड़ 1.37 एकड़ जमीन का जो है 7 व्यक्तियों ने अवैध रूप से 2 व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर दिया है और एक बहुत बड़ा जो है सरकारी जमीन के साथ जो है घोटाला किया गया। तो बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर प्राथमिकी दर्ज हो गई और कार्रवाई हो गई। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री निबंधन विभाग की लापरवाही को सामने ला रही है, लेकिन जरा निबंधन विभाग की दलील भी सुन लीजिए। विभाग का कहना है कि सरकारी जमीन के रिकॉर्ड अभी कंप्यूटर में दर्ज नहीं हो सके हैं और इसलिए ऐसी गलती हुई। इस पर जरूर निबंधन विभाग ध्यान दे रहा है कि ये लिस्ट हम लोगों को मिल जाए और सरकारी जमीन की का लिस्ट जो मिल जाएगा और हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, तो वैसे हालत में उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। उधर जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोक लगाने की बात कह रहा है। जब तक उस पे म्यूटेशन नहीं हो जाए, दाखिल खारिज नहीं हो जाए, उस पर बेसिकली वहाँ पे कब्जा नहीं हो जाए, तब तक जमीन किसी की हो नहीं जाती। लेकिन यह अवश्य है कि इस तरह की परंपरा, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि लोग गलत जमीन की खरीद फरोख्त करें जो जमीन उनकी है नहीं। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और जो भी ऐसे मामले चिन्हित होते हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। देखना है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोक लगाने में प्रशासन कामयाब हो पाएगा। संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर।